राम राम भाई सारे भाइयों ने, गुरु जी नमस्कार। तो भाई डी ग्रुप वेटिंग के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और भाई बड़ा मुद्दा उठ रहा है डी ग्रुप वेटिंग का, तो सर विस्तार तो बताएंगे भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चा के। सर जैसे कि मैंने थोड़े दिन से अपने चैनल पे वीडियो बनाना शुरू किया है रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे, अच्छा, और एक बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है HSSC ग्रुप डी वेटिंग, तो 3-4 दिन में जितने बच्चों ने प्यार दिखाया उस वीडियो में देखकर हैरान हो गया, तो कितनी जरूरत है इस चीज की, तो एक नाइंसाफी हो गई है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोनों का, चेयरमैन साहब का भी और खत्री साहब का भी, और पुराने जो अभी बने हैं हिम्मत सिंह जी उनका भी, उन्होंने इस भर्ती को क्लियर करा। बट सर एक नाइंसाफी हो गई है बच्चों के साथ इस सारी चीज़ों में। क्या हो गई है आपको ही पता है, 2022 में सी का पेपर निकला था, 2023 में जाकर एक साल बाद डी का निकला था, तो पहले पेपर किसके होने थे, सी के क्लियर होने थे, सही बात, नहीं करे डी के पहले रिजल्ट निकाल दिए क्योंकि वो कोर्ट में फंस गई, डी के मतलब इलेक्शन आया लोकसभा का कुछ तो दिखाना ही था सरकार ने, तो 10,000 बच्चे इन्होंने ग्रुप सी के नहीं डी की रिजल्ट निकाल दिया, और डी वाले भर्ते निकालना सी का था वो एक साल पहले का हो रहा है पेपर, तो कुछ तो दिखाना था सरकार को, सी कोर्ट में फंस गई थी, तो इससे क्या नाइंसाफी हुई। होशियार बच्चा जिनकी तैयारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा पहले भी बना था कि पहले इनका दे दो तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ऊपर चले, तो होशियार बच्चा जो ग्राम सचिव लेवल का पटवारी लेवल का था वो बेचारा चपड़ासी लग के चपड़ासी गिरी कर रहा है 4 महीने से, क्योंकि उसको ये नहीं पता मेरी नौकरी वो मिलेगी कब मिलेगी, उसे पता नहीं उसने डी ज्वाइन, और वही इस बात में भी शोर है कि मैं बाद में निकल भी सकता हूँ आराम से, उसने डी ज्वाइन कर लिया 70 नंबर तक कट ऑफ पहुंचा दी जर्नल की 70.83, तो इसमें क्या हुआ फिर, अब जाकर अब ये जब विधानसभा के इलेक्शन हुए अब जाके सी की क्लियर हुई और ये सारे बच्चे डी छोड़ के चले गए, और जो बेचारे डी के बच्चे थे जिनका हम उम्मीद थी कि हम डी की लेवल की हमारी तैयारी है, वो अब तक मार खा रहे हैं। क्यों, जितनी बार भी इन्होंने रिजल्ट निकाला है, पहले निकाला 10,000 का उसमें भी वही सी का बच्चा था जो पटवारी लेवल का था, फिर 3,500 का निकाला उसमें भी वही बच्चा था जो सी लेवल का था, फिर ये 2600 की लिस्ट निकाली उसमें भी वही सी का बच्चा था, तो मेरी सरकार यार अगर ये बात है तो यार बड़ा वो है, मतलब जो डी ग्रुप के लेवल की तैयारी कर रहे वो बच्चे तो फिर दौड़ में है ही नहीं, वो दौड़ से बाहर खाली हो जाए, फिर अगली बार ये चीज होगा फिर वो इसी रीजन से इतने बड़े रिजाइन देखने को मिल रहे हैं, कोई कह रहा है 6,000 रिजाइन, कोई कह रहा है 10,000 रिजाइन, तो ये इतनी गलत पॉलिसी के कारण 10,000 रिजाइन हुए हैं, सरकार ईमानदार है इसमें कोई शक नहीं है, पर इतना रिजाइन मैंने तो कहीं नहीं देखा, तो अब ये कह रहे हैं प्रोसेस के तहत होगा इनकी भर्ती प्रोसेस में होगी 10% में होगी, जब ये बेचारे प्रोसेस के तहत लगे ही नहीं तो अब काहे की प्रोसेस तो ये थी पहले सी भर्ती होनी थी फिर डी होनी थी, सही बात है, प्रोसेस नहीं हुई तो अब आप प्रोसेस का हवाला क्यों, ठीक बात है, तो अब आपसे सर रिक्वेस्ट है नायब सिंह सैनी जी से जो हिम्मत सिंह से बने, ये बेचारे गरीब बच्चे जो डी की 4 गुना में तो इनका नंबर आया नहीं, पॉलिसी ऐसी बना डाली सी में तो मारे गए, अब ये बेचारे डी में लग सकते हैं 3-4 नंबरों से पीछे हैं, इनकी भर्ती भर दीजिए, ये भी दिवाली मनाना चाहते हैं, और इन बच्चों ने तो कंपटीशन में रह के फाइट की है, 17-17 लाख बच्चों के साथ इन्होंने फाइट की है, डी सी वालों ने तो आपने 4 गुना की पॉलिसी बनाई लू फोल के अराउंड, सबका नंबर आ गया किसी का आया किसी का नहीं आया, तो इन्होंने तो सर 17 लाख बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन किया डी वालों ने, तो इनका सर क्लियर कीजिए 10,000 भर्ती दिवाली से पहले इनकी निकाल दो, ये भी दिवाली मना ले, असली हकदार ये हैं, आप चेक करो कब से ये बेचारे घूम रहे, अक्टूबर में पेपर हुआ था अब तक इनका क्लियर नहीं हुआ, तीनों लिस्ट में आपने सी वाले भर रखे हैं, अब एक यस नो का पोर्टल ओपन कर दो, उसमें बच्चा जिसको नौकरी लेनी है अब तो वो हाँ कर दे, जिसको नहीं लेनी वो ना भर दे, और जो भरे भी ना उसे भी ना मान लो, ताकि कट ऑफ नीचे आ जाए, 76 नंबर कट ऑफ जा रही है ग्रुप डी की, और इंस्पेक्टर लोग 53 नंबर पे लगे हुए हैं, ठीक है जो सी में लगाए हैं, तो ये बुरा क्यों फंस रहे हैं, 76 कट ऑफ जा रही है, ये सी वालों ने बढ़ा रखी है, अब इसका एक ही रास्ता है सर, इनके यस नो पोर्टल ओपन करके दोबारा से इनकी भर्ती निकाल दो 10,000 की जो खाली हुई है सीट, और इन्हें भर दो, असली हकदार ये हैं, तब ये इंसाफ होगा सारी जनता के साथ, अभी इंसाफ नहीं हुआ। हाँ मैंने भी सुना, मैं भी सुन रहा हूँ, बड़े बच्चे मिल रहे और आम पब्लिक भी ये बात कर रही, मेरा भाई खुद ग्रुप डी में पहले लगा हुआ है, वो भी कह रहा था बोले आर्ट डिपार्टमेंट में 5-6 बच्चे गए हैं, मतलब तो सुनने में जो मना है ना 6-7 हज़ार बच्चे बताओ, 50% बच्चे जा लिए, बिल्कुल जा लिए, सारे बच्चे चले गए हैं, तो अब सरकार से मेरी यही दरखास्त है ये बेचारों की कट ऑफ नीचे आ जाए 3-4 नंबर और मौका मिल जाए उनको। और इसमें सबसे बड़ी बात यह भाई, मतलब क्यों दर्द हो है, क्योंकि यार जो बंदे जिस चीज ने डिजर्व करे उन्हें वो मिलने दो, जो हुशियार है उन्हें वो मिल गया, तो ये जो बच्चे डी के खातर यार इन्हें भी दो, असली खुशी का मतलब, जो बच्चों के वहम है कि 10% की पॉलिसी है वो तब की पॉलिसी होती है जब ये सीटी था ही नहीं, सीटी सरकार ने बनाया इसलिए कि जब भी जरूरत पड़े एम्प्लॉई की हम सीटी का स्कोर कार्ड उठा लें, जब भी पेपर ना लेने पड़े, बार बार बसें भरवाओ, फ्री की बसें, पेपर करवाओ, बहुत पैसा लगता है, तो सर ने इसीलिए तो सीटी बनाया था, जब भी जरूरत पड़े सीटी के स्कोर कार्ड से उठा लें बच्चे, तो इस सीटी का फायदा उठाइए सर, थैंक यू। सही बात है, थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा भाई, मतलब अच्छा तो क्या लगा, बस बात समझ में आ गई, और बड़ा आमिर को आ गई जी, और मैं ये बात पहले से भी सुन रहा हूँ,
और बच्चा ये बात कह रहा था कि भाई डी का पे लेकर दो, मतलब सी का पे लेकर दो, उसके बाद जो बच्चे सी के लिए एलिजिबल है। चलो अभी जो बहुत आसान ऑप्शन आपने बताया यस नो वाला, अगर ये भी कर दे तो यार ये जो बच्चे हैं जैसे ये भाई है भाई, अगर यस नो का पोर्टल भाई अगर ये ना हो कि सरकार पॉसिबल नहीं है तो भाई ने ये काम जरूर करना चाहिए, जो सी वाले हैं ना जो कट ऑफ ऊपर लेके गए हैं तो वो बच्चे रिपीट ना हो ऐसा काम सरकार कर दे, और जल्दी से जल्दी हमारी ग्रुप डी वाले जो बालक रह रहे हैं, जो पॉइंट रह रहे हैं, एक दो नंबर रह रहे हैं, उनकी वेटिंग लगाने का काम सरकार करे, बस यही दरख्वास्त है। चलो भाई तुम कोई ग्रुप वगैरह बना इकट्ठे हो रहे हो सर, बताया तो था शुरू में एक टेलीग्राम पे लिंक है ग्रुप डी वेटिंग, एक तो है चैनल। अच्छा जी, उसमें कितने बच्चे जुड़ रहे हैं टेलीग्राम पे? मैंने अभी दो तीन दिन पहले शुरू किया था और उसमें 500 बच्चे लगभग जुड़ गए टेलीग्राम पे, और मेरा यूट्यूब चैनल है दास इलेक्शन कैंपस, सर्च कर लेना दास इलेक्शन कैंपस, और उसमें रोहित सर इंग्लिश लिखा आ जाएगा, ठीक है, सर्च में दास इलेक्शन कैंपस करना पड़ता है, तो उसमें रोज मैं इस बारे में उठा रहा हूँ मुद्दा ताकि बच्चों का भला हो सके। चलो बड़ा धन्यवाद सर आपका भी, जो आप मतलब जो भी समझ रहे हो आप इन बच्चों का दर्द समझ रहे हो और इसके लिए एफर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद है। और जो ये ऐसे भाई हैं जो कि भाई बिल्कुल परेशान हैं और आज के दिन जॉब के लिए तरस रहे हैं भाई, और जो कि डिजर्व कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जिसका जो हक है भाई वो मिलने दो, उशार है ना उशार की जॉब मिल गई तो ये जो बच्चे डी ग्रुप के लाएगा यार इनको ये दे दो भाई। हम तो रियल में जिस तरह सर ने बताया है कि यार हम तो 12 लाख बालक में पेपर दे के कट ऑफ कर दो रहे हैं, सरकार ने जो लोकसभा का टाइम था उस टाइम पर हमारा रिजल्ट निकाल दिया, और जो सी वाले थे वो सारे कट ऑफ ना आई लेके, अगर सी की भर्ती पूरी कर दिया तो सरकार ग्रुप डी की वेटिंग लगाने का बिल्कुल काम करे, बिल्कुल यो एक दरकास है भाई, यो है देखो बहुत अच्छे काम हो रहे सरकार की, वाहवाही हो रही, पर यो काम नहीं हो ना तो ये जो घर है ना इनकी हालत सारे रह जाए, इनके हालत बहुत खराब हो जाएगी, और ये चीज करनी चाहिए, बहुत दुख हुआ है यार जब इतना खुशी का माहौल है, और तो ग्रुप डी वाले बेचारे जो असली में डिजर्व कर रहे हैं ये क्यों नहीं खुश हो सकते भाई, बिल्कुल सरकार से एक विनती है भाई, अगर तो भाई जो भी बंदा आई पहुंचाओ भाई, जिसका भी जो भी लिंक है एमएलए जो है वो भाई पहुंचाओ वीडियो ने, धन्यवाद भाई है।